तो हेलो फ्रेंड्स, आ गया मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा, उसमें हमने एक चैलेंज लिया है न्यू सीज़न आने से पहले, जिसको हमको कंप्लीट करना है। लेकिन इसमें आज मैंने कुछ और चीज़ें ऐड कर दिया, जिसको आज आपको मैं बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले तो हमने चैलेंज लिया था कि किसी भी एक गन में इंडिया का टाइटल हमको लेना है, टॉप 100 में लाना है। अब उस वाले वीडियो में मेरे को दो गन का नाम सबसे ज़्यादा कमेंट में दिखा था, एक तो है ग्रोजा, दूसरा है M14। तो ये चीज़ मैं आज आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आज के वीडियो में आप लोग को जरूर से कमेंट करके बताना कि कौन सा गन में मेरे को वेपन ग्लोरी पुश करना चाहिए, M14 या फिर ग्रोजा। अभी इधर मैं रीजन विंस पे चेक कर ही रहा था, तभी मेरे को एक नाम दिखा DCM 100 के, मतलब 999 तो भाई ने नहीं लिखा है, जो भी है 100 के लिखा है। लेकिन चलो ठीक है, एक लाइक मार देते हैं। भाई रीजन विंस पे टॉप 5 पे है यार, M10 में भी टॉप 5 पे इंडिया पे। अब यहाँ पे इसका 20,000 लाइक किया यार, एक बार सभी लोग इधर से ID इंस्पेक्ट करके लाइक मार देना मेरे कहने पे, बेचारे ने मेरा नाम लगा के रखा है यार। अब यहाँ पे अपना सेकेंड चैलेंज क्या है, यहाँ पे देखोगे तो 205 बुइया है टॉप 100 वाले का, मतलब कि 200 प्लस बुइया करना है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपने ID को इधर रीजन विंस पे टॉप 100 पे लाया जाए। टॉप 1 तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन हाँ टॉप 100 कर सकता हूँ मेरे ख्याल से। तो ये चीज करना है। और उसके बाद थर्ड चैलेंज है कि अपने को सीजन एंड होने से पहले ग्रांड मास्टर करना है, मतलब ये तीनों जो चीज है ना, तीनों जो टारगेट रखा वो तीनों एक चैलेंज टाइप का भी समझ लो, टारगेट भी समझ लो, जो समझना है समझ लो, लेकिन सीजन इन होने से पहले ये तीनों चीज को अपने को कंप्लीट करना है। अब ये तो देखने वाली बात रहेगी कि ये चीज को हम कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं। तो फिर चलो अभी मैं आपको सीधा गेम में लेके चलता हूँ। ओके, तो फाइनली यार अपना गेम तो स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो गेम आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये मेरे ख्याल से 2-3 दिन पुराना गेम प्ले जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी बीच में मैं गेम भी नहीं खेला था, क्योंकि थोड़ा तबीयत डाउन चल रहा था, फीवर वगैरह हो गया था, जिसके चलते अभी मैं बीच में वीडियो भी नहीं बना पाया था। और इसी के कारण अभी ये वाला वीडियो 3-4 दिन लेट आया मेरे ख्याल से। और हाँ, एक चीज़ अभी इस टाइम पर मैं आपसे ज़रूर से पूछना चाहूँगा कि अभी जो देखो एक गेम प्ले आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक ये पूरा का पूरा गेम प्ले, मतलब एक फुल गेम प्ले है, तो इस टाइप का आपको डेली मैं वीडियो दिखाऊं, या फिर मैं जितना एक दिन में प्लस कर रहा हूं उसका थोड़ा थोड़ा क्लिप करके आपको हाईलाइट टाइप का दिखाऊं, तो ये चीज मेरे को जरूर से कमेंट करके बताना आप लोग। अब इस टाइम पे अगर आप लोग देखोगे तो मैंने अपना सप्लाई क्रेट भी लूट लिया है, यहाँ से मेरे को अच्छा खासा लूट तो मिल चुका है, मतलब 3 का हेलमेट, 3 का वेस्ट प्लस 1 3 का बैग भी मिल चुका है। अब यहाँ पे एक बंदा भी उतरा है ऊपर के साइड पे, 1 मिनट। ओके, तो चलो फाइनली ये वाला बंदा तो फिनिश हो चुका है, और इसी के साथ मेरा खाता भी खुल चुका है, मतलब कि 1 किल मेरा कंप्लीट हो चुका है देखते ही देखते। और अभी मैं ट्राई करूंगा कम से कम टॉप 20 में जाने से पहले मेरा 2 या फिर 3 किल निकल जाए, ताकि लास्ट जोन के आते आते मेरा 8 से 10 किल कंप्लीट हो जाए, जो कि मेरा टारगेट भी रहता है। अब ये वाला बंदा मेरे को लगा था इधर ही उतरेगा ऊपर के साइड पर, लेकिन ये तो ब्लू जोन की तरफ गया ऐसा मेरे को लग रहा है, इनविजिबल भी हो गया यार बंदा तो हवा में ही। तो चलो अभी ये किल वगैरह का चक्कर छोड़ते हैं, अपने को लूट वगैरह पे अभी ध्यान देना है थोड़ा बहुत, क्योंकि इधर के साइड पे और कोई बंदा नहीं है जहां तक मेरे को लग रहा है अब ग्रेवयार्ड पे। ओके, वेंडिंग मशीन में ऑफ आ गया है भाई, मतलब कि मेरे को ग्रोजा एक्स परचेस करने का मौका मिल जाएगा। इधर के साइड पे बंदे भी है भाई, मेरे को लगा नहीं थी इधर और बंदे आ गए होंगे। 1 सेकेंड, सबसे पहले तो मैं ये ग्रोजा एक्स परचेस कर लेता हूँ 600 कॉइन में, पता नहीं फिर ये परचेस करने को मिले या ना मिले, मतलब कि वो परचेस कर डालते हैं ना लोग, लिमिटेड रहता है ये भी वेंडिंग मशीन पे। तो चलो ठीक है, अभी यहाँ पे बंदे देखते हैं कहाँ पे फाइट चल रहा था, इधर ही तो चल रहा था यार, बंदा नहीं दिख रहा है लेकिन मेरे को। 1 मिनट, वो रहा बंदा। ओके, चलो फाइनली ये देखते ही देखते भाई 1 स्प्रे में बंदा खत्म हो गया है। भाई ग्रोजा का डैमेज देखो यार, कितना ज़्यादा डैमेज दे रही है। अब इस टाइम पे मेरे को थोड़ा बहुत और लूट करना है, अटैचमेंट वगैरह ढूंढना है। तो यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास अच्छा खासा लूट तो आ चुका है, ट्रोगन भी मिल चुका है, बाकी अभी अटैचमेंट मेरे पास अभी भी अच्छा खासा नहीं है। ओके, बंदा आ चुका है इधर। 1 मिनट, यहाँ से लॉन्चर मारते हैं। ये देखो भाई, वहीं से मैं फायर किया जहाँ से पहले फायर किया था, फिर भी 1 शॉट उसको लगा, 1 शॉट मेरे को लगा, ऐसा ग्लिच टाइप का हो जाता है यार। चलो ये बंदा वू कॉन्ग बन गया है भाई। ओके, फाइनली बंदा तो इस टाइम पे फिनिश हो चुका है, लेकिन देखोगे तो इसके पास कुछ खास लूट नहीं था भाई। इधर एक और बंदा आ चुका है, देख रहे हो कैसे थर्ड पार्टी करने के लिए बंदा दौड़ से दौड़ते आ रहा है भाई, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में क्या चला, फिर से उधर ही चला गया, या फिर ये मेरे को देखा ही नहीं था, अचानक से उसको वाल दिखा तो वो पीछे के साइड पे चला गया, ऐसा मेरे को लग तो रहा है। बाकी जो भी है,
अभी इस टाइम पे मेरे पास साउंड गन एमो भी खत्म हो चुका है, 3 ही है, तो इधर से लॉन्ग रेंज से फाइट लेने का ट्राई करते हैं। बाकी शॉर्ट रेंज में जाएंगे तो फिर रिस्क रहेगा ना, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे शॉर्ट रेंज का एमओ भी नहीं है, 3 एमओ है, तो 3 एमओ से तो मरेगा नहीं ट्रोगन का मेरे ख्याल से। चलो इधर से मारने, अबे बंदा तो इधर ही आ गया भाई ये। अच्छा वो इसको मैंने देख लिया जोन में, क्योंकि ये थोड़ा सा दिख जाता है अगर जोन में कोई बंदा रहता है तो थोड़ा सा और रोटेशन मारते, इसको एम लेने का ट्राई करते इधर से अगर ये बंदा दिखेगा तो। भाई बंदा कितना चालाक है भाई, एम ही नहीं ठहरा यार ये तो मेरे को। एक मिनट, ये यहाँ से ये वाला फेंकते हैं। अब ये ग्लू मेल्टर भी उसके वाल पे नहीं लगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है, एक और फेंकना पड़ेगा। बिस्टर पेट की वजह से कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया। ये बंदा तो पीछे भाग रहा है भाई। ओके चलो, बंदा फाइनली फिनिश तो हो चुका है इस टाइम पे, और देखते ही देखते मेरे 4 किल भी कंप्लीट हो चुके हैं, और मेरे को अभी जोन में भी जाना है भाई, जोन के बाहर हूँ इस टाइम पे मैं, तो फिर चलो इसको लूट के जोन में चलते हैं सीधा। ओके तो फाइनली मैं जोन में तो इस टाइम पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो 28 बंदे उस टाइम पे अलाइव थे, अभी टोटल 14 बंदे ही अलाइव है, मतलब काफ़ी बड़ा पार्ट मैंने कट कर दिया वीडियो का, क्योंकि ऑलरेडी मैं जोन के बाहर में ही था भाई, डायरेक्ट मैं गाड़ी लेके जोन में ही आया हूँ। अब इस टाइम पे मैं गाड़ी को तो छोड़ दिया हूँ, क्योंकि गाड़ी में मेरे को घूमना कुछ खास पसंद है नहीं। अब यहाँ पे एक बंदा इधर के साइड पे, ओके इसका सोनिया एक्टिव हो गया, लेकिन उसके सोनिया पे डैमेज ही नहीं जा रहा था भाई एक टाइम पे, दोबारा मतलब फायर करना बंद करके फिर से फायर किया तब जाके उस पर एम गया मेरा। अब यहाँ पे उस बंदे ने मेरे को एक ही पल में कितना ज़्यादा डैमेज कर दिया भाई, अच्छा हुआ मैंने वाल लगा लिया, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाता। अब देखो ये वाले बंदे को मैंने ऑलरेडी एक बार मार दिया, लेकिन ये दोबारा जिंदा होकर मेरा ही वाल तोड़ के मेरे को ही मारने का ट्राई कर रहा है यार। चलो फाइनली इसको मैंने फिनिश कर दिया, हैकर भाई नाम है बंदे का तो। लेकिन जो भी बोलो भाई, बंदा गन बड़ा खतरनाक वाला चला रहा था, या तो ये M60 चला रहा था या तो फिर M249X, जहां तक मेरे को लग रहा है M249X ही चला रहा था, इतना फास्ट वाल तोड़ रहा था और मेरे को कितना ज्यादा डैमेज कर दे रहा था भाई, मतलब 4 का वेस्ट है फिर भी इतना डैमेज पड़ रहा था यार। अब इधर फैक्ट्री की तरफ भी फाइट तो चल रहा था, एक मिनट इधर से थोड़ा सा पीछे से जाके थर्ड पार्टी करने का ट्राई करते हैं, अगर बंदा दिखेगा तो मारूंगा, नहीं तो फिर ज़्यादा रिस्क लेके मैं अंदर घुसूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 5 किल हो चुका है, टॉप 10 भी हो चुका है, 2-3 किल करके और मेरे को बुइया करना है, तो यहाँ से मेरे को रिपेयर किट वगैरह जो जो चाहिए वो सब चीज़ मैं ले लेता हूँ। रिपेयर किट काफ़ी ज़्यादा काम आता है भाई, लास्ट जोन में तो आता ही आता है, मेरे पास वैसे भी वेस्ट फटा हुआ था। तो यहाँ पे देखते हैं, बंदा तो इधर होना चाहिए भाई, लेफ्ट साइड में उस टाइम पे फायर आ रहा था, मतलब जोन के बाहर से बंदा फायर कर रहा था, लेकिन शायद वो जोन में जा चुका है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ओके एक और बंदा मर चुका है, इधर ही बंदा है भाई, ये ऊपर में है क्या? अरे भाई ये बंदा तो फैक्ट्री के ऊपर में, ऐसा मेरे को लग रहा है। एक मिनट, इधर के साइड पे जाके ही देखते हैं, कन्फर्म है ये बंदा ऊपर में है, कन्फर्म है, लेकिन ये बाहर वाले से किसी से तो फाइट कर रहे हैं, रोड पे है मेरे ख्याल से वो बंदा। चलो एक स्कैनर लगा देता हूँ, मेरे पास एक तो है, वैसे भी अभी काम है तो लगा देता हूँ, ताकि मेरे को अगर आसपास कोई बंदा रहेगा तो उसका लोकेशन पता लग जाएगा। ओके ये बंदा ऊपर है क्या? वो रहा, एम कहे नहीं जा रहा है भाई बंदे पे। ओके गया गया, चलो फाइनली ये बंदा डाउन होके फिनिश कर दिया इसको मैंने, मतलब ये लॉन्च पैड लगा रहा था जोन में जाने के लिए मेरे ख्याल से, लेकिन ये भाई से एक गलती हुआ कि ये जोन में जाना भूल के फाइट कर रहा था इस वाले बंदे से। देखो उसका लूट बॉक्स पड़ा है, उसने इसको मार तो दिया लेकिन भाई खुद अपने आप को बचा नहीं पाया, पहले जोन में जाना चाहिए यार, फिर बंदों से फाइट लेना चाहिए जोन के बाहर है तो, और वो भी तब जब वो इतना खतरनाक पोजिशन पे था, मतलब फैक्ट्री के ऊपर में था भाई, उधर से जंप भी करता शायद वहाँ पे, वो जहाँ पे लगा रहा था वहाँ पे मतलब लॉन्च पैड भी नहीं लगता या फिर लगता है पता नहीं, लेकिन काफी ज्यादा रिस्क लेके बंदा फाइट कर रहा था। चलो इधर एक पोर्टल, उसको मैंने यूज तो कर लिया, तो एक और पोर्टल उधर से मैंने उठा लिया था, वहां पे जो पोर्टल था वो अभी आप लोग बोलोगे नहीं तो फिर दोबारा कहां से पोर्टल आ गया, वैसे लूट बॉक्स में दिखा ही होगा। तो चलो ठीक है, अभी भी मेरे को छोड़कर 5 बंदे बचे हैं भाई, जोन देखो कितना छोटा होगा यार, किधर के किधर साइड बंदे पता नहीं। तो एक मिनट, मैंने एक और स्कैनर लगा तो दिया है। ओके एक बंदा इधर के साइड पे जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ग्लू वाल लगा है, अब उसको तोड़ने का। ओके चलो फाइनली बंदा फिनिश हो चुका है, मैं उसका वाल तोड़ने वाला था, इधर एक और बंदा है, उसको थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया हूँ लेकिन वो शायद ग्लू वाल लगा लिया। एक चीज़ अच्छा हुआ कि कोई भी बंदा जोन में नहीं है, एकदम ओपन में बना है जोन, देखो मैं भी थोड़ा जोन में नहीं हूँ,
भाई कितना, एक एचपी का बंदा बच गया, एक एचपी का तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक दो गोली उसको और लग जाता ना ग्रोजा का तो बंदा फिनिश हो जाता। अब इस टाइम पे मेरे को छोड़कर दो ही बंदे और बचे, एक बंदा तो वो है राइट साइड वाला जिसको मैं अभी अभी फायर कर रहा था, मतलब जिसको मैं मारने का ट्राई कर रहा था। अब एक बंदा कहाँ पे उसका लोकेशन मेरे को नहीं पता है, वो होना चाहिए लेफ्ट साइड में जा। ओके वो रहा ग्लू वाल दिखा मेरे को, एक मिनट यहाँ पे एक पोर्टल लगा देता हूँ ताकि मैं जोन में जा सकूँ। अब यहाँ पे इसका ग्लू वाल तोड़ते हैं, बंदा वाल लगा लेता है भाई। चलो फाइनली बंदा फिनिश हो चुका है। अरे ये बंदा तो वही है जिसको मैंने एक और बार मारा है, मेरे ख्याल से इसको मैंने ग्रेवयार्ड पे मारा था जहाँ तक मेरे को लग रहा है। चलो इधर के साइड पे आ गया है मैं जोन में, तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, मैं लॉन्ग रेंज में इसको ऐसे हेड मारने का ट्राई कर रहा था, मेरे को स्कोप करके मारना चाहिए बॉडी बॉडी, नहीं नहीं हेड मारने का मैं ट्राई करूँगा भाई। एक भी हेड शॉट नहीं मारा हूँ अभी तक मेरे ख्याल से मैं, तो इसको तो मारूंगा तो हेडशॉट ही मारूंगा ताकि आपको भी तो पता चले कि मेरे को भी आता है भाई हेडशॉट मारना, पूरा पूरा बॉडी किंग आप लोग स्पैम मार देते हो कभी कभी कमेंट में, रीड करता हूँ। इसका वाल तोड़ता हूँ ग्लिच फायर करके, ग्लिच फायर मतलब कि देखो इसका वाल पे मेरा एम जा रहा है लेकिन वो बंदा मेरे पे एम नहीं ले सकता। चलो फाइनली बंदे को मैंने देखो हेडशॉट मार ही दिया, और इसी के साथ इस वाले गेम में मेरे को टोटल 9 किल के साथ बुइया मिला, वो भी काफ़ी आसानी से बुइया मिला भाई। अब मैंने एक वीडियो डाला था सेकंड चैनल पे, उसका पार्ट 2 जल्दी मैं लाऊंगा अगले 1-2 दिन में मेरे ख्याल से डाल दूंगा उसी वाले चैनल पे, सेकेंड वाले चैनल पे। तो सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखो चेक कर लो। तो फिर यही था आज का वीडियो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपको दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Oh, oh, oh.